चलिए दोस्तों, चित्रकूट में हमारी यात्रा पहुंची है माता सती अनुसुईया के मंदिर में। वैसे तो ये अत्रि ऋषि का आश्रम था पहले, जो अब माता सती अनुसुईया जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये चित्रकूट में सबसे ज्यादा देखने वाला स्थान है। पहाड़ों के बीच में बसे इस मंदिर के बारे में मैं आपको क्या ही डिटेल में बताऊं, आप उसके बारे में खुद रिसर्च करना, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा। ये जो सती अनुसुईया माता मंदिर है, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और सती अनुसुईया जी की कहानी आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। कहते हैं कि मंदाकिनी नदी जो है वो यहीं से निकलती है गुप्त रूप से, और इस नदी का पानी पूरा का पूरा यहाँ पर हरा होता है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, जिनको लोग चाहे तो आराम से दाना और आटा वगैरह कुछ भी खिला सकते हैं, जो बहुत ही शौक से खाएंगी। आप चित्रकूट आए और आप बंदरों से ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकते। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंदर है, जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि यदि आपके हाथ में कुछ खाने पीने की यदि कुछ चीज़ है, तो आपके हाथ से छीन कर झपट्टा मार कर ले भी सकते हैं। तो यदि आप कभी भी जाएँ चित्रकूट, तो सावधान रहें इस चीज़ के बारे में। दोस्तों, माता सती अनुसुईया का मंदिर चित्रकूट में पहाड़ों के बीच में पहाड़ों के नीचे स्थित है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि यही वो आश्रम है जहाँ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों एक साथ आए थे माता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने। और माता सती अनुसुईया ने इन तीनों भगवानों को 6-6 महीने के बालक के रूप में बना दिया था। तो आप उनकी पूरी स्टोरी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वैसे ये मंदिर रियली में बहुत ही खूबसूरत है, और अंदर इस मंदिर के अंदर मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतनी सारी मूर्तियां देखी है अलग अलग भगवानों की, जिनके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो आप भी देखिए और दर्शन कीजिए जितने मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना या वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, पूरी तरह से बैन था। लेकिन उसके बाद भी मैंने छुप छुप के जितना पॉसिबल हो पाया है वीडियो बनाए हैं माता सती अनुसुईया के मंदिर के अंदर। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोल भी सकता हूँ कि माता सती अनुसुईया के मंदिर के अंदर के जो वीडियोस हैं आपको YouTube पर बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन मैंने जितना हो सका है छुप छुप के चोरी से वीडियो बना बना के आप लोगों के लिए दिखाया हूँ इतने सारे। तो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ सुन के ही पता चल गया होगा कि मेरा जो वीडियोस है मेरे चैनल पर इतने लेट क्यों आया है। इस बार कम से कम 20 दिन का गैप हो गया है, लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों है। बाय द वे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।